नमस्कार द नगरी न्यूज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय SMS अस्पताल की जो CTVS डिपार्टमेंट है उसके सह आचार्य डॉक्टर मोहित शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब एक टर्म जानना चाहेंगे सबसे पहले, तो देखिए हृदय रोग से जुड़ी अगर आज हम बात कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, और हृदय रोग से जुड़ी हुई हर दिन नई तकनीकी सामने आ रही है इलाज से जुड़ी हुई, और लेकिन हाल ही में एक CTVS एक बहुत तकनीकी है, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में है, कई ऑपरेशन SMS अस्पताल में हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे CTVS है क्या सर? ये देखो ऐसा है, CTVS चार वर्ड्स हैं इसमें, सी फॉर कार्डियक, टी फॉर थोरैसिक, बी फॉर वैस्कुलर, एस फॉर सर्जरी। तो CTVS सर्जरी बेसिकली मोटा मोटी तौर पर अगर आम भाषा में बोला जाए तो कार्डियक सर्जन नाम से सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बेसिकली तीन ब्रांचेस से कंबाइंड होता है जिसमें थोरैसिक सर्जरी यानी छाती की सर्जरी भी होती है, वक्षीय सर्जरी फेफड़ों की सर्जरी, और वैस्कुलर सर्जरी। वैस्कुलर सर्जरी से अभिप्राय है खून की नसों की सर्जरी, जिसमें ज़्यादातर लोग जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनमें वेरिकोज वेन्स होती है, या जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं ज़्यादा लंबे समय जो धूम्रपान करते हैं उनके जो पैर की नसें बंद होती हैं, इस तरह की सर्जरी। तो बेसिकली हमारा जो ब्रांच है CTVS कार्डियक थोरैसिक वैस्कुलर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तब जाकर के हम इसको बोलते हैं CTVS सर्जरी। जैसे हमारे यहाँ विभाग है SMS मेडिकल कॉलेज में CTVS विभाग। सर एक चीज जानना चाहेंगे, CTVS की हमने बात की, हृदय रोग से जुड़े हुए अब ये तकनीकी आई है, किस तरह आसानी हुई है इलाज के अंदर? तकनीक का तो डेफिनेटली जैसे जैसे समय बदला है वैसे ही तकनीक का विकास हुआ है, जिसमें बड़े चीरे से धीरे धीरे हम छोटे चीरे की ओर आने लगे हैं। पहले एक समय में सर्जरी कराने से पहले हर मरीज ये सोचा करता था कि भाई पता नहीं ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, कितने दिन तक मुझे अस्पताल में रेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद घर अगर छुट्टी होके आऊँगा तो मुझे कितने दिन तक और विश्राम करना पड़ेगा, सर्जरी सफल होगी कि नहीं होगी, मॉर्टलिटी कितनी ज़्यादा है, कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत नहीं है, इस तरह के कंसर्न हुआ करते थे मरीजों के। पर आजकल जो तकनीक जिस हिसाब से डेवलप हुई है तो पेशेंट को कम से कम अस्पताल में रहना पड़ता है, जल्दी छुट्टी होती है, जल्दी मोबिलाइज होता है, और कम दर्द सहना पड़ता है और जल्दी घर जाता है। बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज SMS अस्पताल के अंदर एक ऑपरेशन किया है डॉक्टर मोहित शर्मा जी ने और उनकी पूरी टीम ने, एक बहुत ही अनोखे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे क्या वो ऑपरेशन था और किस तकनीकी। एक जब मेरी चर्चा हो रही थी मोहित जी से तो उन्होंने एक VATS करके एक VATS करके एक टर्म इन्होंने बताई थी, उस तकनीकी से एक ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। सर क्या था मतलब? तीन दिन पहले एक 30-35 साल का एक यूथ जिसको असॉल्ट किया गया गनशॉट, एंड द गनशॉट वॉज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। यूजुअली जब छाती के मध्य में गोली मारी जाती है तो वहां पर हमारा सबसे मेन वाइटल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट। द पेशेंट वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उसको गोली मारने के बाद भी वह गोली उसको उसके हृदय पर नहीं लगते हुए और बगल से उसको लगते हुए सीधा डायफ्राम में जाकर के और फिट हो गई। ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है कि ऐसा हो कि गोली आपको सामने से मारी जाए और वो हृदय में पियर्स ना करे। आप बता रहे थे काफी नजदीक। हाँ बिल्कुल, मतलब उसको नजदीक से मारा गया और वो गोली उसके छाती के मतलब छाती में तो गई, यानी पूरी थोरैसिक कैविटी में उसने ट्रैवल किया बुलेट ने, बट वो बुलेट उसके हृदय को छेद नहीं पाई और उसके बगल से होती हुई फेफड़े के भी बगल से होती हुई नीचे, जहाँ पर हमारा फेफड़ा और पेट दोनों अलग होते हैं डायफ्राम से, डायफ्राम के लेटरल मोस्ट एंगल, इसे हम CP एंगल कहते हैं, इस एंगल में जाकर के वो गोली फिट हुई। अब इसमें निकालने के दो तरीके हैं, जिसमें कॉमन तरीका होता है ओपन सर्जरी यानी छाती को खोल के निकाला जाए, और दूसरा होता है VATS VATS वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। तो हम डॉक्टर अनिल शर्मा साहब की यूनिट में हैं, जो ज़्यादातर केसेस हम लोगों ने मिनिमली इन्वेजिव से किए हैं। आज फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ये ऑप्शन था इस मरीज को VATS से किया जाए। अब ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप उसमें थोरेकोस्कोप या कैमरा पोर्ट डालते हो तो इतने बड़े कैविटी में एक छोटी सी बंदूक की गोली को ढूंढना और ढूंढने के बाद उसको आप ग्रास्पर से पकड़ के आराम से निकाल पाएं, जिसमें आपका छेद उस गोली की साइज से भी छोटा है, एक बड़ा टास्क होता है। लेकिन चूँकि टेक्निक अच्छी है और सुविधाएँ आज उस स्तर तक बढ़ चुकी हैं कि VATS भी पॉसिबल है, SMS जैसे इंस्टीट्यूट में VATS का होना, और VATS नॉट ओनली फॉर दिस केस, केवल ऐसा नहीं है कि हम बंदूक की गोली को निकालने के लिए VATS को यूज़ कर रहे हैं, VATS के और भी कई इस्तेमाल हैं जैसे लोबेक्टमी, न्यूमोनेक्टमी, थायमोक्टमी,
और कई तरह की फेफड़े की सर्जरियां हैं जो बेड से आसानी से की जा सकती हैं। तो अभी मरीज बिल्कुल ठीक है सर? हाँ, मरीज बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपने कहा कि शायद इसको जोड़ के देखा जाए तो दूरबीन से आपने शायद गोली निकाल दी, ऐसी जो हार्ट के पीछे छुपी हुई थी। सबसे पहले तो गोली को ढूंढना एक सबसे बड़ी चुनौती थी चिकित्सकों के सामने, और फिर बिना हार्ट को खोले सिर्फ एक दूरबीन के जरिए गोली निकालना वाकई में एक बहुत ही काबिले तारीफ ये चीज है। सर एक चीज इसमें ये जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की पेचीदगियां आमतौर पर इसमें देखने को मिलती है। देखिए आपने आज जो ऑपरेशन किया है, आमतौर पर अभी तक कहीं इस तरह का ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं है, जानना चाहेंगे कि क्या पेचीदगियां सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन में देखने को? इसमें सबसे ज्यादा बड़ी पेचीदगी तो होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि आप जो कैमरा पोर्ट छाती में डाल रहे हो और जिन ग्रास्पर से आप हैंडलिंग कर रहे हो, यानी कि आपके सामने फेफड़े का टिश्यू है, एक सपोज एक अब यू कह सकते हैं कि कुआं है और उस कुएं के अंदर आपके पास में एक छोटा सा गेहूं का दाना है, उसको ढूंढ करके निकालने जैसा है। तो अब उसमें आपको पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, नंबर वन, कि आपको पूरा एरिया, क्योंकि जब हम एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो फॉरेन बॉडी, अगर हम बंदूक की गोली का नाम नहीं लें, खाली फॉरेन बॉडी की बात करें, कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकता है, वो जगह बदल सकता है जब आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो उस टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी पेचीदगी तो ये है कि आपने उसको एक लोकेशन जो आपके दिमाग में है को लेकर के आपने उसको एक्सप्लोर किया और वो वहीं पर न मिलके कहीं और मिले, तो आपको वहां पर कम से कम नहीं करते हुए एक डेढ़ घंटा दो घंटा खाली उस चीज को ढूंढने में लग सकता है, पहली बात। दूसरा, जो अदर टिश्यूज हैं फेफड़े, अगर आप छाती के अंदर एंटर करेंगे तो खाली ऐसा नहीं है कि आपने बंदूक की गोली या फॉरेन बॉडी के लिए एंटर किया, वहाँ आपके सामने लंग्स का टिश्यू है, वहाँ आपके सामने डायफ्राम है, वहाँ आपके सामने मीडियास्टिनम में हार्ट है, इन सारी चीज़ों को सेपरेट करके आप वहाँ पिन पॉइंट फोकस करते हो। तो इसके लिए एनेस्थीसिया पार्ट से हमको सहयोग मिलता है, जिसमें वो लोग एक सिंगल लंग वेंटिलेशन कर देते हैं, तो लंग जब डाउन होता है तो हमको थोड़ा और आसानी हो जाती है ढूंढने में। तो ये ऐसा बिल्कुल, ये आपने पूरी चीज बताई इस तकनीकी के बारे में, तो अब ये मान सकते हैं कि पुराने जब पढ़ा करते थे या देखा करते थे तो हार्ट का जब ऑपरेशन होता था तो शायद यहाँ से हड्डी को काटने के बाद वो हार्ट का ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन अब क्या छोटे चीरे से हार्ट का ऑपरेशन पॉसिबल है? बिल्कुल, जैसे वेट्स है, छोटे चीरे द्वारा हमने जैसे छाती पे ऑपरेशन किया हमारी टीम ने, वैसे ही हृदय के भी ऑपरेशन छोटे चीरे द्वारा हो रहे हैं और हम कंटिन्यू हमारी यूनिट में किए जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमने जर्नल में भी पब्लिकेशन किए हैं, साथ में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ऐसे छोटे चीरे द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसमें जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी यूनिट में स्पेसिफिकली जैसे डॉक्टर अनिल शर्मा साहब की यूनिट में हम लोग कर रहे हैं काम, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बिना हड्डी काटे हर तरह के ऑपरेशन होने लगे। अब पहले एक समय में कुछ सेलेक्टेड ऑपरेशन हम किया करते थे, भाई ये सेलेक्टेड ऑपरेशन है तो इसके लिए हमारे लिए सुविधा होगी एज ए सर्जन, लेकिन अब इतने अरसे तक, मतलब 2013 से ये प्रोग्राम चालू है जिसको मिनिमली इन्वेसिव कह लेते हैं या नॉन बोन कटिंग सर्जरी भी कह लेते हैं, सामने से हड्डी नहीं काटते, बगल में छोटा सा चीरा लगाते हैं और उस चीरे से वैल बदलने का, बाईपास सर्जरी का, कंजेनाइटल कार्डियक सर्जरीज का जिसमें कॉमन होता है दिल के छेद बंद करना, ये सब हम अभी कर रहे हैं हमारी यूनिट में। बिल्कुल, हमने बात की छोटे चीरे से, आपने बताया कि ये ऑपरेशन, लेकिन हाल ही में मरीजों में लगातार चल एक हार्ट अटैक के मामले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या कारण है? कम उम्र में कई बार देखने को मिलता है डांस करते हुए व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, जिम में एक्सरसाइज करते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या कारण सर इसका मान सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है पड़े रहना, खाना पीना और पड़े रहना। दूसरा इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या है? आपके पास समय लिमिटेड है और काम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने के चक्कर में हम एफर्ट अपनी क्षमता से ज़्यादा कर बैठते हैं, तो वो एक कारण होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो नहीं है लेकिन आपको आउटपुट ज़्यादा देना है। और दूसरा सिडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जैसे अगर यहाँ थोड़ा सा एडम कर सकते हैं योग व्यायाम और इन सब का रोल है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को शामिल करते हैं? लोगों के उठने का समय सही नहीं है, रात को सोने का समय सही नहीं है। आपने देखा कभी गौर से, पूरी प्रकृति में हर चीज़ एक रिदम में है,
है ना, जैसे सूर्य सही समय पर आएगा, पृथ्वी सही समय पर, सारी ऋतुएं आती हैं, ग्रीष्म की जगह ग्रीष्म, शरद की जगह शरद, वसंत की जगह वसंत। केवल एक ह्यूमन बॉडी या एक मनुष्य ऐसा है जिसने अपनी सारी रिदम को डिस्टर्ब किया। दैट रिदमिक डिस्टर्बेंस इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। इसका ना तो ये हम इसको कोविड से जोड़ रहे हैं कुछ लोग इसको वैक्सीन से जोड़ रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि वैक्सीन और कोविड से जुड़ने से पहले भी ये तो सब था। 2019 से पहले, 2020 से पहले भी ऐसे केसेस होते थे कि लोग चलते चलते ही अचानक हार्ट अटैक होता था, पर उस दौरान लोग चूंकि इतने जो मीडिया इतना डेवलप्ड नहीं था कि इन चीज़ों को रिपोर्ट कर पाता, बट अब रिपोर्ट करने लगे हैं, जागरूकता आने लगी है, तो लोगों को बात समझ में भी आने लगी है। जैसे अगर मैं बात कहूं कि बीमारी ही वो रीजन होता है जिसके कारण उत्तम स्वास्थ्य की ओर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वाई कोविड एक ऐसा समय आया कि लोगों को शायद अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता समझ में आने लगी, और आजकल मीडिया में भी इसको अच्छे से एक्ट पे दिया जा रहा है, दैट्स गुड। बिल्कुल, डॉक्टर मोहित शर्मा ने बहुत सी चीज़ें हमें बताई हृदय रोग से जुड़ी हुई, और ख़ासकर आजकल एक जो छोटे चीरे से हार्ट का जो ऑपरेशन होने लग गया है उसमें निश्चित तौर पर जो समय है उसकी बचत हो रही है। सर, मैं कहना चाहूँगा कि शायद जो मरीज के बचने की संभावना है वो भी शायद इसमें बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अब रिस्क काफ़ी कम हो गया है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक के बाद जो पोस्ट ऑपरेशन किया जाता है उसमें रिस्क काफ़ी कम हो गया है, लेकिन क्यों हार्ट अटैक बढ़ रहा है, क्या कारण है इसके, इस पर खुलकर चर्चा हमने डॉक्टर साहब से की है। आप लगातार बने रहिए द नगरी न्यूज़ में, सेहतनामा इस प्रोग्राम में हम स्वास्थ्य से जुड़ी जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो अगर बात करें कि किस तरह के ऑपरेशन आजकल हो रहे हैं, किस तरह की सेहत को लेकर सुधार की बातें हो रही हैं, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार।